आज है रमजान मुबारक का चौथा रोजा और पहला जुमा है। कैसे लग रहे हैं हम तीनों? करीब ने इतना प्यारा हीरो लग रहा, नीचे जूती चेक करें। मैं आ चुके हैं, इतने दिन हो गए मामा से नहीं मिली हूँ, मामा से मिलवा लें। कहाँ जा रहे थे हम भला? मतलब ये नहीं, मतलब ये नहीं। अच्छे मेरा खूबसूरत दिन शुरू हो गया है और आज है रमजान मुबारक का चौथा रोजा जो कि बहुत ही अच्छा जा रहा है और पहला जुमा है। जुमा मुबारक है आज और रमजान का पहला जुमा। उम्मीद करती हूँ कि सबके रोजे जो पिछले वो बहुत अच्छे जा रहे होंगे और आने वाले रोजे भी बहुत अच्छे गुजरेंगे। तो खैर आज जुमा था, उठ के तैयार श्यार हुई हूँ, जोहर की नमाज अदा की है, जुमा वगैरह पढ़ा है। अरीब साहब जो है वो गए हुए नमाज वगैरह पढ़ने, वो वापिस आएंगे। तो फिर आज जो है वो हमारे घर पे अरीब के कजन्स की है इफ्तारी, तो उसके लिए थोड़ी तैयारी वगैरह करनी है, सामान वगैरह लेने गए हुए हैं, साथ वो लेते हुए आएंगे। तो ये आज का जो है ना वो इफ्तार का सारा हमारे घर पे सीन होना है। लेकिन उससे पहले आप लोगों ने अगर अभी तक मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे, कमेंट कर दे, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। अभी बस हम नीचे जाएंगे, सब लोग जुमे की वजह से तैयार शैयार हुए हैं और सबने थीम फॉलो किया हुआ है ब्लैक कलर का। भाई मैंने ब्लैक कलर का सूट पहना है क्योंकि आज जो है ना वो मैंने अरीब के साथ मैचिंग नहीं की, अरीब ने मेरे साथ मैचिंग की। उसने मुझे स्पेशली फरमाइश की करा ये वाला ड्रेस पहनो, तो भाई वो आते हैं तो फिर मैं आपको उनसे भी मिलवाती हूँ और सबसे मिलवाती हूँ। खैर आज आपको मैं हमेशा बताती हूँ कि रोजों में जो है वो मैंने 30 days व्लॉग स्ट्रीक स्टार्ट की हुई है क्योंकि 30 दिन में व्लॉग अपलोड करूंगी और इसका जो भी रेवेन्यू जनरेट होगा उसको जो है वो हम गरीबों में तकसीम करते हैं। तो आपका एक एक व्यू जो है वो बहुत मैटर करता है, वो आपकी तरफ से डोनेशन होगी। तो इस अच्छे काम में आप लोगों ने मेरे साथ रहना और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। अभी फिलहाल हम चलते हैं नीचे। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताऊंगी एक बहुत ही रिलायबल ट्रेडिंग ऐप के बारे में जिसका नाम है बिनोमो। इस ऐप पे आप लोग ट्रेडिंग करके 90% तक का प्रॉफिट कमा सकते हैं। बिनोमो आपको 24/7 कस्टमर सपोर्ट देता है। बिनोमो पे ट्रेडिंग करना बहुत ही आसान है क्योंकि ये एक यूजर फ्रेंडली ऐप है। बिनोमो पे अभी एक इवेंट चल रहा है जिसका नाम है WTC Multiverse। WTC Multiverse के फंड $320,000 है। अगर आप लोग भी इस इवेंट को ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, अभी जाएं और इस इवेंट को ज्वाइन करें। और अगर आप बिगिनर्स हैं तो परेशान होने की कोई बात नहीं है क्योंकि बिनोमो आपको देते हैं बहुत सारे बोनसेस, मल्टीपल डेमो अकाउंट्स, कूल प्राइजेस और इजी ट्रेडिंग। और यहाँ पे बहुत सारे मोड ऑफ ट्रेडिंग है जैसे कि क्लासिक फिट, क्विक 5 सेकंड ट्रेड, आप इनमें से कोई भी मोड सेलेक्ट कर सकते हैं और 90% तक का प्रॉफिट कमा सकते हैं। चले अब आपको मैं एक ट्रेड करके दिखाती हूँ अपने रियल अकाउंट से। मैंने एसेट सेलेक्ट कर लिया है और अमाउंट भी। अब मैं इसका फोरकास्ट करती हूँ कि इसकी वैल्यू अप जाएगी या डाउन। मेरा फोरकास्ट यह है कि इसकी वैल्यू जो है वो अप जाएगी। थोड़ा सा वेट करते हैं, किस चीज का इंतजार करें। मैंने जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, कमेंट भी पिन कर दिया है, अभी जाएं बिनोमो पे साइन अप करें और साथ ही साथ ट्रेडिंग करें। ये देखो जी मैं नीचे आई हूँ तो एक लड़का कैसे सोया हुआ, ये सोया हुआ क्या एक्टिंग कर रहा है मुझे देख के? सुहान जुमा मुबारक, ये क्या कर रहे हो? ये देखो भी आज मैचिंग की हुई इसने भी, आज इसने भी प्रॉपर मैचिंग की हुई, क्या हीरो लग रहा है। लेकिन ये ऐसे मुंह करके क्यों बैठा हुआ है बिल्ली? अभी वो कह रहा है कि अभी मैं बात करने के मूड में नहीं हूँ, अभी कोई मुझसे बात ना करे और मैं हीरो बन के ऐसे ही लेटा रहूंगा। ठीक है बहुत चला गया, बहुत सियाना है। अभी सूरते आज जानते हैं भैया आज बनना क्या है, क्या क्या सामान है, भाभी को मिलते हैं, लेट्स गो। यहाँ तो भाई भाई भाभी दोनों बैठे हुए हैं, भाई क्या मेन्यू डिसाइड कर रहे हैं, क्या सीन है, क्या सीन है इफ्तार का? यार आज इफ्तार की चीजें आप लोग तो क्या लेकर आनी है कुछ तो? अरीब को मैंने कहा है, अरीब ने कुछ चीजें कह रहा है कि मैं बाजार से ले आऊंगा, कुछ चीजें जो घर पे बननी है वो मैं भाभी से पूछ लेती हूँ। भाभी क्या बनाना है मुझे बता दें, फिर मैं बनाना शुरू कर देती हूँ ताकि फिर जो है ना वो हम टाइम से चीजें रेडी कर लें। आज शरारत की कटिंग कर ली हुई है, वो चिप्स वगैरह की, चिप्स की कटिंग डन है। हाँ। वो मैं फ्राई कर दूंगी। हाँ। बाकी और वो बन बनाने हैं, मैं कह रही हूँ वो बन आप बना लेना। ठीक है बन भी बना लूंगी, मतलब बर्गर बनाने हैं ना। हाँ, बर्गर बनाने हैं, फ्रूट चाट बनानी है। कल खाली फ्रूट चाट बड़ी अच्छी थी, वैसी बनानी। ओए मतलब आपको मेरी फ्रूट चाट पसंद आई थी? बची नहीं थी
यार आपकी प्रो मैक्स शेफ ने इतनी मजे की फ्रूट चाट बनाई है, क्या फरमाइशें लगी है कि वही वाली फ्रूट चाट बनानी है, वही वाली फ्रूट चाट हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम, जुम्मा मुबारक। क्या हाल है सर, बड़ी प्यारी मैचिंग आपने की है आज। मैंने देखो तुम्हें भी मैचिंग करवाई है आज, करवा लग रहा है। वो क्या कहूँ, खट्टा पीला कलर पहन रही थी है। अरे मैं मारूंगी मैम, मेरे कलर को खट्टा पीला कलर कहते हो बेटा। तो देखो शर्मा के देख नहीं रहा। ये मैंने देखा है सोफे पे उल्टा होकर सोया हुआ, सुकून से इसने मेरे से बात ही नहीं की है। देखी है मैंने मैचिंग, मुझे पता लग गया की दोनों हीरोज ने चाची के साथ फुल मैचिंग की हुई है। चाची भाई शर्मा क्यों रहे हो, क्या हो गया? ठीक है बंदा प्यारा लगता है, इतना शर्माना क्या होता है। मुबारक हो, ये क्यों नहीं गया, इसको क्यों नहीं लेके गए जुमा पढ़ने। क्यों नहीं गया जुमा पढ़ने, मुझसे बात भी नहीं कर रहा है। देखो आए मैचिंग बताएं गाइस कैसे लग रहे हैं हीरो बॉयज हम तीनों, तुम्हारे पास आने के लिए। ओके जी, कैसे लग रहे हैं हम तीनों। शर्माने को नहीं कहा आपकी शादी नहीं है। चले अरीब आप थोड़ी सी मेरी हेल्प कर दें, भाभी कह रही है मैंने कटिंग वटिंग कर दी है, बाकी तीन चार चीजें मैं आराम से बना लूंगी। मैं कुछ मंगवाना तो मुझे बताओ। आप लेके कुछ नहीं, आपने तो कहा था मैं नमाज से वापसी पे लेता हूँ। नमाज से वापसी मैं लेके आऊँ ना काका अपना, अब मैं सामान लेके आऊंगा। अल्लाह चले फिर मैं आपको लिखवा देती हूँ क्या क्या चीजें लेकर आनी है, ठीक है। लेकिन एक चीज मैं आपको दिखा दूँ भाई, अभी अरीब को भी नहीं पता। अरीब ने इतना प्यारा हीरो लग रहा है, नीचे जूती चेक करें। ये क्या सीन है, ऐसे कहते नमाज पढ़ने। मैं जुम्मे के लिए लेट हो रहा था तो मैं जल्दी जल्दी पहन के चला गया। मैं जब वहाँ पहुंचा हूँ ना, हाँ। तो मैं जूती ढूंढ रहा हूँ, तो मुझे ना मैं कहूँ यार दूसरी जूती का है, दूसरी जूती का है। फिर मैंने कहा यार ये तो मेरी देने वाली जूती कितनी बड़ी हुई है। एडिडास और नाइकी के ना ब्रांड एम्बेसडर लगे। किसी ने कहा प्रमोट कर, किसी ने कहा कि दोनों ब्रांड दिखाने थे इसने, ये पहन गया था, किसी ने नोटिस नहीं किया सिवाय करा के। मैं आ चुकी हूँ किचन में सुकून से बैठ के, यहाँ पे जो है ना वो हम कढ़ाई शढ़ाई निकालेंगे चीजें, इमली की चटनी वगैरह रखते हैं बनने के लिए, क्योंकि जो मेन और इम्पोर्टेंट काम है पकौड़ों का सामान बनाती हूँ, दही पकौड़ियों का सामान काटना है, जो कटिंग वाला काम है, और तेल चल, और ये जो है ना वो मैं फटाफट रेडी करना है, क्योंकि अगर हम लोगों ने वैसे रेडी करना हो ना कि खाने की दावत है तो बंदा टाइम का मार्जिन होता है, लेकिन इफ्तार में आपके पास टाइम मार्जिन नहीं होता, इसीलिए मैं अपने फोन को रखूंगी साइड पे, क्योंकि फोन के साथ ना मैं काम नहीं कर पाऊंगी। तो अब बस जो है वो काम पे मुझे लगना है, फोन को मैं यहीं बंद कर रही हूँ और फिर मैं स्टार्ट करूंगी बनाना। तो मिलती हूँ आपसे चीजें बना के। One hour later. अरीब भी आ चुके हैं, बस अभी मुझे दरवाजे की आवाज आई है, तो अरीब साहब आ चुके हैं, आप सामान वगैरह रख रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम। हाँ यहीं रख दें। पहुंच गए, मेरी बात हुई 5 मिनट में पहुंच रहे हैं, ठीक है। हाँ। तो मैं उनको रिसीव करा के जा रहा हूँ, ठीक है। अगर कुछ चाहिए हो तो मुझे बता देना, बाकी सामान ही मैंने रख दिया, ठीक है। ठीक है, तकरीबन फ्राइंग वाला सारा काम हो गया, बस दही भल्ले वगैरह का वो सामान मैंने मिक्स करना, और बाकी जो हमारे वो प्याज रहेंगे वो कटिंग, ठीक है आप कर लें। यार अरे मेरी एक बात सुन, मैं ना कंफ्यूज हो रही हूँ क्योंकि मेरे से ना ब्लॉगिंग नहीं होती, बस ठीक है ये चीज वगैरह मान लो, बस फिर क्योंकि ना एकदम से अभी ऊपर से रोजा भी है, सबका रोजा होगा, ऐसे अच्छा नहीं लगेगा कैमरा, ठीक है ना। हाँ सही है, तो अब जो है ना वो बस मैं बाकी की चीज़ें रेडी करती हूँ, जो सामान आया उसको अनबॉक्स करते हैं, फ्रूट्स वगैरह जो बास्केट में रखने हैं वो रखते हैं, और मेहमान थोड़ी देर में आने वाले होंगे, और मैं आपको पता है मैं एकदम वो हो जाती हूँ कि नहीं यार अच्छा नहीं लगता रोज़ेदार सामान। मेहमान आ चुके हैं गाइस, सारा काम हो गया, अब रह गया जी बच्चा ये हमारे पास रोल्स वाला काम, इसको अब फ्राई करना रह गया। अरीब मेरी बात सुने, कुछ चीजें मैंने लगा दी इन मतलब, तो वो आप बाहर बर्तन वगैरह लगा लो, आप टेबल टेबल लगा टेबल पर लगा दें, ठीक है मैं आ रही हूँ, ठीक है। मैं कैमरे को यहीं बंद कर रही हूँ, और इफ्तार वगैरह सब कर लें, उसके बाद आप लोगों से मुलाकात होती है इफ्तारी के बाद, क्योंकि सब लोग अब इफ्तारी करने लगे हैं। सुनिए जी मेहमान वगैरह हमारे आ गए हैं, बैठे हुए हैं सारी चीजें वगैरह, लेकिन ये दो देखें ये दोनों क्या कर रहे हैं। वो पहले मेरे पास नहीं आया, अब देखो जरा वो ना पूरा रोजा इफ्तार तो ये कर रहा है, भरपूर तरीके से इफ्तारी कर रहा है, पहले पूरा टाइम सोया रहा। 2 hours later. मेहमान वगैरह चले गए थे, बस मेहमानों के जाने की देर होती है। इधर देखें ये सब मेरे हाथ के बनाए हुए बर्गर खा रहे हैं, जो मैंने बताया कैसे बने हैं, बर्गर के बने ये जल्दी जल्दी में बनाए, खाई नहीं जा रहे थे। हाँ। भूख लग गई, मतलब मेहमान जाता था ऐसी भूख लगती है। अच्छा जी मेरा एक काम करेंगे आप, मैडम हुक्म करें, देखिए मैंने आपको कितना मजे का बर्गर बना के, आप बस मेरा एक काम करें, इतने दिन हो गए मामा से नहीं मिली हूँ, मामा से मिलवा लें, मामा से मिलना है, दिल चाह रहा है, याद आ रही है क्यों ना, तो 15-20 मिनट के लिए मिल के आएंगे, मुझे बड़ी नींद आ रही है, ठीक है ठीक है, ये नींद है आपकी आंखें उड़ाऊंगी ना जरा 15-20 मिनट, मैंने कम टाइम के लिए जाना, ठीक है जाना। हम लोग यहाँ से निकलने लगे हैं सीधा अरीब, वो देखे कितना प्यारा चांद निकला हुआ है यार, मैं हमेशा लोगों को चांद दिखाती हूँ, अपना चांद बहुत प्यारा लग रहा है, और ये कैमरे से ज्यादा वैसे प्यारा लग रहा है। ओए अरीब, अरे भाई निकलो वो देखो, पता हम कहाँ जा रहे थे, पता चल गया था।
हमने छापा। कहाँ जा रहे थे? कहाँ जा रहे थे हम भला? हमारे घर घर ही आ रहे थे। अल्लाह अल्लाह, देखो मेरी मम्मा की याद आ रही है मुझे छोड़ने। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है? यार मैं आई रही थी, मैंने कहा मुझे मम्मा की याद आ रही है। मैं आ रही हूँ इधर से, ये होता है प्यार। ये देख रही है अरीब, अरीब अभी गाड़ी में ही बैठे थे, पीछे से बात हुई। मैंने कहा क्या करने लग गई है, मुझे समझ नहीं आ रहा। अगर तुम लोग निकल जाते फिर। नहीं मम्मा आए आए मेरे जो घर वाले हैं वो तो सुकून शरीफ से आके पहुंच चुके हैं। आपते साथ मेरे कमरे बैठा फातिमा, पंखा चला दी, इतनी सर्दी नहीं है। इसकी परफ्यूम पे डाल। हमेशा फातिमा का रूल रहा है, इसने जिंदगी में जब भी इस्तेमाल किया मेरा परफ्यूम किया, लेकिन अब मेरा नहीं करती यार, अब अपने खरीदती है। अब तो इतना दस्ती है कि यार फातिमा आए मेरे परफ्यूम यूज करे। फातिमा वो मेरे परफ्यूम की सेल लगी। क्या कहा तुमने भी कि फातिमा अब अपने परफ्यूम यूज करती है? बिल्कुल झूठ। क्या मैं जाकर यूज करती हूँ? बकवास, सही बात है। तुम कितनी फातिमा भी क्या, अभी बस कर दो फातिमा, ये नहीं अच्छी, कोई और लगा दफा हो जा। ये मेरे हर परफ्यूम को यूज करके यही कहती, ये नहीं अच्छी फातिमा, ये किलो स्मेल ला रही। अकेली हो कितने लगाओगी? यार एक अकेली हूँ, जितने अभी तो मैंने और इतने सारे मंगवाए हैं फातिमा। ये नहीं फातिमा, ये नहीं, मतलब ये नहीं अच्छे हैं। मेरा कंधा बच गया यार। अरे बात सुने, कैसे है? निकल गया है। ये गया कल पर्दे वालों को बुलाए यार, वो जब एसी वालों ने नीचे किया ना, उन्होंने कील नहीं ठीक लगाया, वो सारा देखो ये वो आसपास। ये कैसा कच्चा घर है, एक सेकंड की दीवार को हाथ लगा लो, गिरेगी। ये दीवार नहीं है, बेड है। ऐसी तरह एसी नहीं गिर गया ऊपर से। वो कल वो एसी लाया था ना, उसने उसको नीचे किया था। हाँ उसने, अरे उसने फिक्स नहीं ना सही किया, वो देखो उन्होंने ऊपर तीन की लगाया तो उसने ये दो लगा के कर दिया। ये देखो जरा अल्लाह, वो देखो बच्चा तो हो गया है बच्चा। ये मेरे ऊपर डायरेक्ट वो लाइव सीन रिकॉर्ड हुआ, उठा करके गिरा है वो कोना, उठा कर वो ऊपर बांध दे। नहीं नहीं इसको नहीं। अरीब अरीब, आपके पाओ पे लगना था, इतना बुरा कि आपकी सोच है। अरीब साहब जो है ना, ये निंजा टेक्निक, मुस्नुवी टेक्निक लगाने लगे हैं कोई इसको कवर करने के लिए, तो वो बंदा आगे सही करेगा। ये बेबे को सब पता ही है, पिछले जन्म मम्मी रह चुकी है लोग। अब मामा और फातिमा जो है वो चले, मामा ने पानी टेस्ट करना है। चले चलो गाइस, तुम भी पानी पी के जाओ। ग्लास अरे बंदा, आपको अपने किचन के कैबिनेट्स का नहीं पता? सामने, बिल्कुल सामने, यस इधर रखे हुए ग्लास, फिल्टर वाला पानी। yes. पानी मारे जैसा सेम, या सेम। पानी पी के तुम्हें अपने मैका याद आता हो? मैंने मैके मेरे अब्बू ने फिल्टर वाला भेजा ही इसीलिए कि इकरा को अपना मैका ना भूले। काके से मिली है फातिमा, फातिमा 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 सेम टू सेम है। क्या फातिमा सेम टू सेम है? जो मैं करता हूँ वो भी उसके साथ करती है फातिमा। तुमने बच्चा रोना शुरू हो गया, मैं तो उसको प्यार कर रही थी। तुम्हें उसको पता लगे कोई बेबे प्यार कर रही है उसको? बच्चे बड़े हो जाते ना तो ये थोड़े, उसको याद भी नहीं है बचपन। बचपन अपना बचपन ही है वैसे, पूरा छोटा वाला बचपन गुजारा है वहाँ पे घर में, अब याद नहीं है उसको। अब याद नहीं है, अब वो भूल गया थोड़ी सी देर में ना, कि ये वही लड़कियां हैं जिनके पास ही जाया करता था। लड़कियों ने पी लिया पानी मेरे फिल्टर का। अभी अरीब जी, अब ये इन लोगों को हम गेट पे छोड़ने जा रहे हैं, ऊपर आए आपसे एक और पार्सल अनबॉक्स कराना है। पता है मुझे तुमने कौन सा पार्सल अनबॉक्स कराते करते हैं, करते हैं करते हैं, चले आ जाए पहले इनको छोड़ के आते हैं। हम ना गाड़ी उधर खड़ी करके आए थे ताकि इनको पता ना चले सरप्राइज, तो यार पहले ही गाड़ी पे जा रहे हैं। चलो फातिमा बाय, अगली दफा मैं अपनी बड़ी मोटी काली पे ऐसे ड्राइव करके आऊंगी, सिखानी है ठीक है। चलो बाय बाय। ओके मम्मी बाय बाय, मिलते हैं फिर इंशाल्लाह जल्द ही, अल्लाह हाफिज। मिलते हैं इंशाल्लाह, ऐसे ही सरप्राइज दे दिया करें हमें रोज, दिन में चार बार। ठीक है चलो। भाभी आपको पता है मेरे साथ क्या हुआ है? बल्कि आज हमारे साथ, आज मेरा सर टूटते टूटते बचा है। ऊपर जो हमारे पर्दे लगे थे ना वो एकदम ठरन, और मैं पास खड़ी वो मेरे कंधे पे गिरा था, वो एसी लगा तो वो फुल। पर्दे किस तरह गिरे मुझे भी नहीं ये समझ आई, पर्दों को कैसे पता मैं नीचे खड़ी हुई हूँ। मुझे लगता है रीब ने ना कोई चालबाजी की है, इकरा जब नीचे है ना ठावे जाना। बचत हो गई होगी, बचत के यहाँ लगा है मेरे में, प्रॉपर ब्लॉग रिकॉर्ड हुआ है। फातिमा परफ्यूम चेक करी थी मेरे, ऐसे मैं वहीं खड़ी हुई हूँ, मैं बात कर रही हूँ एकदम से गुडुन, और सारे पर्दे नीचे, वो बेडशीट जो मंगवाई थी उसी वजह से। शुक्र है कहीं नुकसान नहीं हुआ। उधर पर्दे गिर रहे हैं, इधर ये फंस गया है, एनु कटो बाल। ये आज चाची को इसके साथ एक साथ है ना, ये क्या तरीका है? ये देखो लगी टेंड,
आज निकालू। ये क्या पंगे लेता रहता है, इसके नीचे घुस गया है ये छोटा अंकल। चलें जी अब चलते हैं यहाँ से वापस ऊपर, और ऊपर जाके हम अरीब साहब को कहते हैं कि आज हम लोगों ने करनी है अपने टेबल की अनबॉक्सिंग, और वो करते हैं जाके। करने वाला जो काम है वो हमेशा की तरह छोड़ देता है, यकीनन ये जाके सो रहा होगा चेंज वेंज करके। ये देखा कहा था ना सो रहे हैं। फालू मदारी आया, फालू मदारी। अच्छा वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये देखे फोन ऑन है, क्या देख रहे थे? नहीं बस रील्स वगैरह देख रहा था। क्रिकेट देख रहे हो? यकीनन क्रिकेट देख रहे हैं, इसके अलावा कुछ चले उठ जाए फिर। मैं वो थक गया करा यार, आज बहुत ज्यादा थक गया हूँ। पहले तो मैं सुबह में गया हूँ, मैंने सारे काम करवाए हैं, फिर जुम्मा शुमा पड़ा है, फिर उसके बाद मेहमानों से बातें करता रहा हूँ, साथ तारी की चीजें लेके आया हूँ, सारे काम किए मैंने आज। आज मुझे तंग ना करो, आज फिर पर्दे टूट के पर्दे सेट करवाए, सारा कुछ किया। पर्दे आपके कंधे पे गिरे हैं? कंधे पे नहीं गिरे, तुम्हारे कंधे पे गिरे, मेरे कंधे में गिरे, एक ही बात है ये। अच्छा यहाँ में एक ही बात है, तुम्हारे कंधे पे मेरे कंधे पे, ये क्या? नहीं 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 नहीं। उठे अरे वो यार, कब से टेबल वेट कर रहा है? वादा टेबल वेट कर रहा है कल, नहीं तो परसों वादा। ठीक है कल। ये क्या, ये देखा अभी से डामाडोल हो रहे हैं, लेकिन दिखाए जरा जाने की आपकी है हल्का। मैं बहुत नींद आई हूँ, ये थक गया हूँ ना, सुबह उठना भी है सैरी के लिए। अब मैं कह रहा हूँ कि सुबह कर लेंगे, सुबह को सीन बनाते हैं, स्वयं करेंगे, ठीक है? कल हमने फिर इंशाल्लाह कल पक्का। यार ऐसे ना बचपन में कसम से, जब स्कूल नहीं जाना होता था ना, टेस्ट होता था, तो मैं तब बहाने करती थी मम्मा से, और अब ये अरीब साहब मेरे से ये बहाने लगा रहे। ठीक है क्या याद करोगे कौन सी अच्छी? लेकिन मैंने एक चीज साफ लगाया। क्या? हमारा एक काम होता है एसी लगे हैं। हाँ, मैं भी भाभी को यही कह रही थी कि चीजें एक हुई है सेट, तो वो देखो क्या डिजास्टर ही हो गया यार। वो एसी वाले भाई ने ना गलती से मेरे ख्याल से सही तरह लगाया नहीं, उसकी वजह से हो गया। लेकिन कोई बात हो गई है, पर्दे वाला सुबह आ जाएगा, सुबह सेट हो जाएगा इंशाल्लाह। पर्दे वाला सुबह सेट हो जाएगा, मेरी टेबल वाला भी आ जाएगा, मेरी टेबल लगानी है। मैं लगाऊंगा, टेंशन ना लो, मैं लगाऊंगा। चले मैं टेंशन नहीं ले रही, याद करेंगे। क्या सखी, क्या अच्छी बीवी मेरी है, माशाल्लाह। मेरी बीवी जो है ना वो मेरा एहसास करती है, क्या याद करेंगे। तो इस दुआ को, इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की वीडियो, आज का ब्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह मेरी आप लोगों से मुलाकात होगी अगले ब्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे और मेरी फैमिली को स्पेशली अपनी दुआ में याद रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।